ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल टू पॉइंट वन वन आप इस क्वेश्चन में हम सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं दिस इज सर्किट जहाँ पे टेन वोल्ट कनेक्टेड है अक्रॉस अ रजिस्टर ऑफ वैल्यू फोर पॉइंट सेवन की Then we are having across this voltage V1, and further in series, a silicon diode is connected. Then this is the output, and across 2.2, the another end is connected with minus 5. And here you have to find v2. So, i v1, v2, and v0 are the required parameters. फर्स्टली okay, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे टेन वोल्ट है तो आप इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए लाइक टेन से कनेक्ट है सो लाइक दैट देन वी आर है so like that. Then we are having किलो ओम्स जिसके अक्रॉस आपको वीवन बताना है डाय सिलिकन है टू पॉइंट टू किलो ओम जिसके अक्रॉस आपको बी टू बताना है एंड दिस एंड बी कनेक्टेड विद माइनस एंड द मैग्नेट्यूड इज फाइव एंड हेयर वी आर है आई करंट नाउ चेक वेदर दिस डायोड इज फॉरवर्ड डायोडर्डस्ट और रिवर्स अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव एंड ये कनेक्ट है देखिए प्लस टेन से ये नेगेटिव माइनस फाइव से कनेक्ट है तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पी इज ग्रेटर देन एन यानी डायोड हो चुका है फॉरवर्ड बायस तो किससे रिप्लेस करते हैं हम फॉरवर्ड बायस को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस अलॉन्ग विद कट इन वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है सिर्फ कट इन वोल्टेज है बिकॉज सिलिकॉन है इट मींस 0.7 वोल्ट तो इस डायोड को रिप्लेस कर दीजिए 0.7 वोल्ट से नाउ वील अप्लाई वी एल अप्लाई करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस तो माइनस सबसे पहले माइनस आया साइन ले लिया टेन प्लस आई अगर मैं लिखना चाहूं आई इन फोर पॉइंट सेवन के प्लस पॉइंट सेवन प्लस आई इंटू टू पॉइंट टू के माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू जीरो आपने इस लूप में फर्स्ट लूप में केवीएल लगाया है आप ये मत कहिएगा कि ये लूप पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा देखिए पाथ कंप्लीट हो रहा है हाउ बिकॉज इफ आई एक्सटेंड दिस तो यहाँ पर भी ग्राउंड है यहाँ पर भी ग्राउंड है मैंने इसको कनेक्ट कर दिया दोनों ये देखिए एक सर्किट का पाथ कंप्लीट हो रहा है सो so, मैंने यहाँ पर केवीएल लगाया है अप्लाइंग केवीएल एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ आई so this is minus 7, minus 10 minus 5 that is minus 15 plus 0.7 that is minus 14.3 it means 6.9k equals to 14.3 so uh, into i kilo ohm that is volt and we'll have 14.3 by 16 i'll calculate 14.3 by 6.9, that gives me 2.07. I equals to 2.07 milliamps. My first answer, I got it. Now I have to find the value of V1. V1, V1 what? V1 is what? we know Ohm's law, V equals to IR. So V1 equals to I into 4.7 kilo ohms. So, it means V1 equals to 2.07 milliampere into 4.7 kilo -ohms. So that will give you 9.74 volts. I got my second answer. Now move on to third answer. This is V2. V2 is I equal I into 2.2 .2 kilo ohms. So V2 is the voltage across register 2.2 K. So let me find this. So, this is our uh, two point two point zero seven into 2.2k. So, that gives me 4.55 volts. Now, what is the value of V naught? For that, if you'll observe, V naught is the voltage like this. दिस इज माई वी नॉट सो पैरल देखें तो इस ब्रांच के, के पैरल में क्या है ये दोनों चीजें हैं इस ब्रांच के पैरल में केवीएल लगा देते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी आप लगा लीजिए अब जब ये केवीएल आप लगा रहे हैं चीज द कलर ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे सो दिस दिस इज प्लस सबसे पहले क्या आया आपका केवी लगाया है मैंने सेकेंड लूप पे सो so, सबसे पहले टर्मिनल आया प्लस देन कितना मैग्नीट्यूड है फाइव देन देर इज वी टू वी टू के साथ क्या आया देखिए पहले माइनस वी टू देन प्लस वी नॉट दैट गिव्स मी जीरो इट मींस वी नॉट इक्वल्स टू वी टू माइनस फाइव सो वी टू माइनस फाइव दैट गिव्स मी हाउ मच V2 is 4.55 minus 5. That gives me minus 0.45 volts. Okay. So first I got it. All the answers of this questions. So this question is completed, and along with this, the basic series and basic parallel path is complete. Basic series path is complete. Now move on to parallel and series parallel configuration. This one. तो वी आर हैविंग ए क्वेश्चन फटाफट से हम ड्रॉ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में अगर आप देखें एक टेन वोल्ट की बैटरी है जो कि पॉइंट थ्री थ्री किलोमीटर रेजिस्टर से कनेक्टेड है और दो सिलीकन डायोड पार्ल कनेक्ट पैरली कनेक्टेड है एंड अक्रॉस विच यू हैव टू फाइंड द आउटपुट सो यू आर हैविंग वन टेन वोल्ट बैटरी विथ पॉइंट 3 3 kilo ohms register and we are having two silicon diodes connected in parallel across which you have to find output this one is i1 this one is i2 this one is i something else i need to find okay id1 and id2 so, ID1 and ID2. I guess that's it. So, we have to find V0, I1, ID1, and ID2. V0, ID1, ID2, and I. We have to find these parameters. Let's solve it fast.

इंटरनल रजिस्टेंस अलॉन्ग विद्स कट इन वोल्टेज इंटरनल रजिस्टेंस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं मैंशन है तो आप सिर्फ किससे रिप्लेस करेंगे यहां पर इसकी कट इन वोल्टेज से दिस इज सेवन वोल्ट फर्दर पॉइंट सेवन वोल्ट एंड दिस इज कनेक्टेड विद योर आउटपुट वी नॉट सो दिस इज आई डी टू दिस इज आई डी वन एंड दिस इज योर आई नाउ I have to apply kvl in the first loop so let's uh, let's observe what we get so like that if we'll apply kvl so this is minus first minus sign appears then the magnitude is 10 plus i into 0. 0.33 kilo ohms plus 0. 0.7 that is equals to 0 from this you will get i equals to uh, that will give you 9.3 divided by 0.3

ये आई इस वाली ब्रांच में एंड आगे कहा जाएगा देखिए आगे तो नहीं जाएगा तो वो फर्दर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है यानी कि जो करंट आई है, ये जो मैग्नीट्यूड सेम है तो इट मीन क्या होने वाला है कि दोनों जगह रजिस्टर सेम था क्योंकि क्या होता है इफ हैविंग है आर और करंट जा रही है आई एंड दिस इज वी अगर क्या हो रहा है दोनों में करंट सेम जा रही है तो आई इंटू आर दैट विल गिव्स यू वोल्टेज यानी क्या है दोनों ही जगह हमारी करंट इक्वली डिवाइडेड है क्योंकि वोल्टेज क्या है आपका दोनों जगह इक्वल आ रही है यहाँ पे तो आपका जो भी है करंट दोनों जगह क्या होगा इक्वल जाएगी क्योंकि उसको क्या है पाथ इक्वल मिल रहा है अगर सपोज अगर मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ कि एक साइड क्या है पॉइंट सेवन वोल्ट है एंड दूसरी साइड क्या है पॉइंट थ्री वोल्ट है अब वो करंट जो है वो इक्वल नहीं जाएगी अब करंट क्या करेगी शॉर्ट आपको लो रेजिस्टेंस पाथ पर ज्यादा करंट जाएगी एज कंपेयर टू हाई रेजिस्टेंस पाथ तो यहां पर क्योंकि दोनों में आपका सेम एट्यूड है तो करंट भी इक्वली डिवाइडेड होगी इट मींस आई डी वन इक्वल्स टू आई डी टू इक्वल्स टू आई ये जो करंट जा रही थी यही तो दोनों में इक्वली डिवाइड हुई यानी कि हाफ हाफ करंट दोनों में गई है तो आई डी वन एंड आईडी टू की वैल्यू कितनी हो गई है 28.18 अगर ये थी, so that will be 40, 14.09 milliamps. You got the second answer along with third answer. We have to find out V not. V not हमें पता करना है. तो V not किसके across है? V not किस तरीके की battery है? कुछ ऐसी तो क्या हम कह सकते हैं वोल्टेज आर सेम इन पैरल अब वोल्टेज पैरल में सेम है अगर यहां पर वी नॉट है तो यहां पर कितना है पॉइंट सेवन है तो वी नॉट टू वोल्ट इक्वल बिकॉज वोल्टेजेस आर सेम इन पैरल और देखिए जितनी वोल्टेज इस ब्रांच के अक्रॉस है उतनी ही वोल्टेज इस ब्रांच के अक्रॉस है उतनी ही वोल्टेज इस ब्रांच के अक्रॉस है कुछ बच्चा अगर थोड़ा जिसके कॉन्सेप्ट थोड़ी सी अगर इलेक्ट्रिकल की वीक है तो उस बच्चे के लिए ये भी डाउट हो सकता है कि यहां पर ये वी नॉट है and एंड दिस वी नोट दिस वी नॉट इज इन पैरल this एंड दिस टेन वोल्ट तो मैं देखकर not is is here, is it? It is 10 volt बता सकता हूं देखिये नहीं वीनोट टेनवोल्ट के पैरल में नहीं है इस branch के पैरल में है यानी कि यहां पर अगर क्या आएगा देखिए यहां पर सिर्फ टेन वोल्ट नहीं है यहां पर आपका क्या आएगा पॉइंट थ्री थ्री के और टेन वोल्ट